कई कारणों से बाल झड़ने लगते हैं, घर पर ही आप कुछ तेल बनाकर लगा सकती हैं, जिनसे बालों का गिरना रुक सकता है और हेयर ग्रोथ में भी फायदा मिलता है। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बालों का झड़ना ऐसी दिक्कत है जिससे अनेक लोग परेशान रहते हैं। कभी भी और किसी भी कारण से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। कभी धूल मिट्टी बालों को नुकसान पहुंचाती है तो कभी बालों को सही देखभाल ना करने पर उनका बुरा हाल हो जाता है। ऐसे में रोज रोज जब हाथों में गुच्छा भर बाल निकल आए या बिस्तर पर, बाथरूम में या फिर सोफे पर आपके ही बाल गिरे पड़े रहे हों तो बेहतर है कि बालों का झड़ना रोकने के लिए कुछ घरेलू उपाय अपने लिए लें। बालों का गिरना रोकने के लिए आप घर पर ही खुद के लिए कुछ असरदार तेल बना सकती हैं। इन तेलों को लगाने पर बालों का झड़ना तो कम होगा ही, साथ ही बालों को बढ़ने में भी मदद मिलेगी। प्याज को बालों पर कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका रस बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं प्याज का तेल भी कुछ कम असरदार नहीं होता, लेकिन बाजार से खरीदे गए प्याज के तेल की बजाय आप घर पर ही बेहद आसानी से इस तेल को बना सकती हैं। प्याज का तेल बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को पीसकर पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। इसके बाद नारियल का तेल मिलाकर इसे हल्की आंच पर कुछ देर पकाना शुरू कीजिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद इसे आंच से उतारकर रात भर रखें, रहने दीजिए और अगले दिन छानकर इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। रसोई की ही कुछ चीजों से बनने वाले हर्बल ऑयल को बनाने के लिए नारियल के तेल को बेस ऑयल की तरह लेना। साथ ही इसे बनाने के लिए आपको मेथी के दानों व तुलसी व नीम के पत्तों की जरूरत होगी। इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहले आंच पर नारियल तेल को चढ़ाकर सभी सामग्रियों को मिला लीजिए। कुछ देर बाद उबाल कर सीसी में डाल लीजिए। तैयार है हेयर फॉल रोकने वाला तेल। गुड़हल का तेल। नारियल का तेल में मिलाकर गुड़हल का तेल तैयार किया जाता है। गुड़हल के फूल को इस तेल में बनाने से इस्तेमाल में लाते हैं। सबसे पहले नारियल का तेल लें और उसे आंच पर गर्म करने के लिए रखें। इसके बाद गुड़हल का फूल लेकर उसे पीसकर पतला पेस्ट तैयार कर लें। इसके बाद इस तेल को उबालें और आंच से हटाकर सीसी में भर लीजिए। इस तेल को आप बालों को झड़ने के लिए रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल झड़ने के घरेलू तेल आपको कैसे लगे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।